सो हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है मदरे, आप देख रहे हैं हमारे चैनल एआरएम टेक्निकल। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो अपने जियो के फ़ोन से अपने घर बैठे जो है रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है, बगैर किसी प्रॉब्लम की। तो अगर आपके पास नेट बैंकिंग है और आपके पास पासवर्ड उसमें सब कुछ है, तो आप लोग यहाँ से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यहाँ पे आपको कोई सी भी चीज़ से यहाँ पे या पेटीएम से यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं। तो आप लोगों को कैसे करना है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर वाईफाई जो ज़रूरत पड़ेगी वाईफाई की कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप लोगों के पास वाईफाई से यहाँ पर जो आपका नेट है वो स्टार्ट हो जाएगा चलना, ठीक है। तो वाईफाई क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग में जाकर इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपसे वाईफाई कनेक्ट ना कर ना आती तो उसकी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। फिर आप लोग को सिंपल से क्या करना, यहाँ पे माई जियो एप्लीकेशन को ओपन करना। अगर आप लोग के पास ये भी नहीं है तो आप इसके जो स्टोर से वो निकाल कर इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर आपको सिंपल से इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप लोग को सिंपल से कुछ नहीं करना, आप लोग को इस एप्लीकेशन को ओपन होने देना। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर इसको ओपन होने देता हूँ, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन जो ओपन हो रही है, तो मैंने यहाँ पर रिचार्ज जो कर लिया है, फिर भी मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मेरा रिचार्ज है यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ का मेरा रिचार्ज जो यहाँ पर हुआ है, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आपको कैसे करना है रिचार्ज। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिचार्ज का ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपल से क्या करना है, इस वाले ऑप्शन बटन पर क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोगों को जितने भी रिचार्ज हैं आप लोगों के सामने यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको रिचार्ज जो है देखने के लिए मिल जाते हैं आप लोगों को कोई से भी। अगर आपके बड़े फ़ोन में है तो आप बड़े फ़ोन का रिचार्ज करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जियो फ़ोन लिखा रहा है, तो यहाँ पे 155 रुपये में वैधता 28 दिन के मिलेगा, बेनिफिट 28 GB अनलिमिटेड मिलेगी, और यहाँ पे 185 का रिचार्ज भी है, ठीक है। तो सबसे सस्ता जो रिचार्ज है इस टाइम यहाँ पर दो रिचार्ज है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक 49 रुपये वाला है जिससे कॉलिंग जियो से जियो पे मिलेगी, और यहाँ पे 75 रुपये वाला भी है 28 दिन के वैधता 3 GB अनलिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन जो रिचार्ज लगा मुझे ये लगा 125 रुपये वाला, यही हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों को बीच का बटन यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं रिचार्ज मांग रहा है, ठीक है। तो आपको बीच का बटन पर क्लिक कर देना है यहाँ से, और क्लिक करने के बाद आप लोग को सिंपल से कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन जो आप लोग के सामने निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग को चूज़ करना है कि आप लोग रिचार्ज किस टाइप से करना चाहते हैं और ये कौन सी मेथड से करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर डेबिट कार्ड, ATM कार्ड यहाँ पर कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली हम करने वाले हैं नेट बैंकिंग से। तो हम लोगों ने यहाँ पर नेट बैंकिंग पर सेलेक्ट कर लिया। नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसके बाद आप लोग जो यहाँ पे बैंक जो अपनी बैंक यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो मेरे पास है बैंक यहाँ पे SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं कोई से भी बैंक, ठीक है। तो उस बैंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोग को सिंपल से कुछ नहीं करना है। आपका जो ये है इस तरीके का ऑप्शन जो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊँगा गाइस, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। और आप लोग अपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लीजिएगा, नहीं है तो आप लोग बैंक से बनवाना पड़ता है। फिलहाल इस टाइम जो लॉकडाउन चल रहा है, आपका पहले से बना हुआ तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, या आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी आप लोगों का पास उससे कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप लोग को पास लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपको पूरे जो है इन्फॉर्मेशन आप लोग की आ जाएगी, अगर आप वहाँ पे वो सही डाल देंगे, ठीक है। फिर आप लोग को कंफर्म पे क्लिक करना है। फिर आप लोगों के सामने एक पेज और आएगा जो कि उसी टाइप का होगा, आपका नाम जो कि आ जाएगा यहाँ पर, जैसे कि मेरा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, वेलकम मिस्टर अहमद रज़ा। तो यहाँ पर सब कुछ आप लोगों के सामने का फार्म एक आ जाएगा। फिर आप लोगों को नीचे की साइड में आना है वेरीफाई करने के लिए। फिर आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है कन्फर्म पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे की साइड में आता हूँ, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे कन्फर्म पे दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फर्म पे आप लोगों को डबल बार क्लिक करना पड़ेगा, एक पहले एक अब। फिर आप लोगों को सिंपल से लास्ट मेथड आएगा यहाँ पे, आप लोगों को नीचे की साइड में आना, आप लोग के पास एक जो है मैसेज आया होगा, ठीक है, जो कि आप लोगों को लिंक हुआ होगा आपका फ़ोन नंबर बैंक से। तो वो आप लोगों को एक मैसेज आएगा उसी नंबर पर, तो वो नंबर आप लोगों को यहाँ पर जो मैसेज में आएगा, ठीक है, तो वो नंबर आप लोग को यहाँ पे कंफर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 अंकों का आपको शायद नंबर आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो आया है यहाँ पे, तो क्लिक करने के लिए स्टार हैश दबाएंगे आप, तो यहाँ पे मेरे पास आया 11 83 11 15। तो इतने अंकों का आपका नंबर आएगा, फिर आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर, अगर आपका जो यहाँ पर पासवर्ड है वो यहाँ पे जो आप लोग के फ़ोन में आया होगा वो यहाँ पे सही डालते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे सबमिट एक्सेस मतलब
पूरा यहाँ पे जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप नीचे की साइड में आएंगे या कैसे भी, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को सामने एक इंटरफेस ऐसा इस टाइप का आ जाएगा, देखिए प्रोसेसिंग प्लेस जो नोट प्रेस द बैक रेफरेंस बटन। तो देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल, 125 रुपये का यहाँ पे जो रिचार्ज है यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, तो आप लोग को चेक फिर कैसे करना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को उस वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि अब जियो एप्स चालू करेंगे यहाँ पे, तो वो वैसे आप लोगों को दिखा देगा। ठीक है, तो आप लोग को बैक आके यहाँ पे दोबारा से देख लेना कि आपका रिचार्ज आ गया क्या नहीं। माई जियो ऐप ओपन करेंगे आप लोग, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको मैसेज भी आ जाएगा और यहाँ से आप लोग सब कुछ डिटेल्स देख सकते हैं कि कैसे रिचार्ज हुआ, कितना कुछ आप लोग को उसके साथ मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का जो है यहाँ पे एप्स खुलेगा। खुलने के बाद आप लोग को यहाँ पे, तो उसको वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो लाइक नहीं करा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा नोटिफिकेशन पे, ताकि आप लोगों को सही की नॉलेज और वीडियो मिल सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं JPMRP, तो सबसे ऊपर आप लोगों के सामने रिचार्ज जो आप लोगों के सामने नज़र आ जाएगा, तो आप उस पर क्लिक कर लेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो रिचार्ज है यहाँ पे 300 SMS, यहाँ पे अनलिमिटेड कॉल्स और यहाँ पे कुछ इस टाइप का जो देखने के लिए मिल जाता है।